सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड में बड़ा खुलासा। हत्यारों ने मोबाइल पर गोगा मेड़ी की किससे कराई थी बात। गोगा मेड़ी की फोन पर हुई बहस फिर ठाए ठाए ठाए। सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी हत्याकांड में राजस्थान पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। यह खुलासा शूटर नितिन फौजी, रोहित राठौर, नवीन शेखावत और रोहित गोदारा से जुड़ा है। इस खुलासे में गोगा मेड़ी की जान जाने से पहले फोन पर बातचीत है और बातचीत पर हुई बहस है। इस खुलासे ने सुखदेव सिंह की जान लेने की जिम्मेदारी लेने वाले की बात को भी तकरीबन पुख्ता कर दी है। राजस्थान पुलिस ने यह खुलासा कॉल डिटेल्स के आधार पर किया है। इस कॉल डिटेल में वो कॉल सामने आया है जो कि गोगा मेड़ी की जान लेने से पहले हमलावरों ने कराई थी। सवाल ये है कि सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी से मोबाइल पर किसने बात की थी और वो बातचीत क्या थी जिसमें दोनों तरफ से जमकर बहसबाजी हुई थी। राजस्थान पुलिस ने नवीन शेखावत के मोबाइल के कॉल डिटेल के आधार पर खुलासा किया है कि सुखदेव सिंह पर गोलियां दागने से पहले नवीन ने अपनी ही मोबाइल से गैंगस्टर रोहित गोदारा से बात कराई थी। विदेश में बैठे रोहित गोदारा और गोगा मेड़ी की मोबाइल पर बातचीत के दौरान जमकर बहसबाजी भी हुई थी। दोनों के बीच खूब गर्मागर्मी हुई थी। इसी बीच नवीन के साथ गोगा मेड़ी के साथ गए नितिन फौजी और रोहित राठौड़ ने गोगा मेड़ी पर दनादन गोलियां दागनी शुरू कर दी। इस मामले में पुलिस को जो सीसीटीवी फुटेज मिला है उसमें भी साफ तौर पर दिख रहा है कि पहले सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी मोबाइल पर बात कर रहे हैं, उसके बाद नितिन और रोहित ने गोलियां चलाना शुरू कर दी। गौरतलब है कि सुखदेव सिंह की जान चले जाने के बाद गैंगस्टर रोहित गोदारा खुद इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी ले चुका है। माना यह भी जा रहा है कि शूटर नितिन फौजी और रोहित राठौर को अपने साथ गोगा मेड़ी के घर ले जाने वाला नवीन शेखावत भी लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग से जुड़ा हुआ था। हालांकि सुखदेव को गोली मारने के बाद नितिन और रोहित राठौर ने नवीन शेखावत को भी गोली मारकर हत्या कर दी थी। बहरहाल पुलिस के इस खुलासे के बाद अब तो ये साफ नजर आ रहा है कि सुखदेव सिंह हत्याकांड में पूरी तरह से रोहित गोदारा का ही हाथ है। फिर भी पुलिस ने अपनी तहकीकात पूरी नहीं की है। ऐसे में इस केस में किसी भी रिजल्ट पर इतनी जल्दी पहुंचना बेहद जल्दबाजी कही जाएगी। लेकिन पुलिस के इस खुलासे से एक बात तो साफ हो गया है कि गोगा मेड़ी को जिस बात का अंदेशा था, जिसको लेकर वो तीन तीन लेटर राजस्थान सरकार को लिख चुके थे, वो बिल्कुल सही रहा। ऐसे में ये भी जरूर कहा जा सकता है कि अगर पुलिस ने वक्त रहते सही कदम उठा लिए होते तो वो खुद शायद सुखदेव सिंह गोगा मेड़ी के हत्यारों की तलाश में खाक नहीं छान रही होते। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना।